चिल्ड्रेन, कॉपी से हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द बुक ऑल्सो. सो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3, ए एंड द. फिर इन द ब्लैंक्स विद ए और एंड. आपको हम बता चुके हैं आ और एंड कब लगता है. आ वी यूज विद कॉन्सोनेंट्स एंड वी यूज विद वॉवल्स. सो एलिफेंट आपका ये वॉवल है तो एन एलिफेंट. एम आपका कॉन्सोनेंट है. आ माउस, आ स्टार फिश, एन ऑरेंज, अ बुक, अ रिवर, अ बॉटल. देन अगेन राइट आ और एंड बिफोर दीज नाउंस. अ कप, एन एप्पल, एन एग, अ विंडो, एन एरोप्लेन, एन अम्ब्रेला, अ टेबल, एन आर्म, अ मैंगो, अ क्लासरूम. रीड द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद आ और एंड. आपको स्टोरी पढ़नी है और इसमें आपको फिल करना है आ और एंड. जहाँ पे आपका नेक्स्ट वर्ड जो ब्लैंक के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसको हम देख के फिल करते हैं. जैसे यहाँ पे ये डैश है, ब्लैंक है, इसमें आपका नेक्स्ट वर्ड जो है वो एस है, दैट इज कॉन्सोनेंट. ये कॉन्सोनेंट है तो हम आ लगाएंगे. यस्टरडे सॉ अ सनी डे. यस्टरडे वॉज अ सनी डे. माई फादर टुक मी टू द जू. वी कैरिड डैश बैग. यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है तो आ बैग. इन द बैग वी कैरिड डैश एप्पल. नाउ चिल्ड्रेन, यहाँ पे आपका जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, दैट इज आ, ए. सो वी विल यूज एन बिफोर एप्पल, क्योंकि एप्पल एक वॉवल से स्टार्ट होता है. एन ऑरेंज, अगेन दिस इज अ वॉवल. अ बंच ऑफ बनाना, यहाँ पे बी कॉन्सोनेंट है. सम ग्रेप्स एंड अ फ्रूट केक. एट द जू आई सॉ 3 एलिफेंट्स ईटिंग ग्रास इन अ बिग शेड. आफ्टर दैट वी वॉच्ड अ मंकी स्विंगिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. इट वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फन. देयर वर मेनी बर्ड्स एट द जू. We saw an owl. It had big eyes. A green parrot was talking to an old man who was standing near its cage. There was a large bird nearby. My father told me it was an ostrich. It had just laid an egg. The egg was very big in size. We heard the parrot telling the old man, "Hello, what a big bird that is. What a big egg that is." Okay, now come to this exercise. Write the where it is needed. Put a cross where it is not required. आपको इसमें द लगाना है जहाँ पे needed है, मतलब ज़रूरत है, और जहाँ पे हमें द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई need नहीं है, वहाँ पे हम cross लगाएंगे. I play with my friends in the playground near my house. मैं अपने friends के साथ playground में खेलता हूँ, that is P. Okay, तो ये एक place है. हमने पढ़ा था ना, द हम लगाते हैं जब कोई place होती है, particular place, तो द. My granny tells me stories from the Ramayana. The Ramayana क्यों? क्योंकि Ramayana एक epic book है, आपकी holy book है, इसलिए वो एक famous book है, so we will use the. Okay? There is a new student in my class. The student has come from China. Okay, children, यहाँ पे आप student के बारे में एक बार बात कर चुके हैं. A new student, कि एक नया student आया है हमारी class में. अब यहाँ पे हम second time उसी student की बात कर रहे हैं, तो हम आ स्टूडेंट फिर से नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट, बिकॉज रिपीट हो रहा है. द सेम नाउन इज यूज्ड अगेन, मतलब रिपीट वाला हो रहा है, तो हम द लगाएंगे. और चाइना हम नेम्स के आगे द एंड आ कुछ नहीं लगाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, द कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन साउथ दिल्ली. कुतुब मीनार एक फेमस मॉन्यूमेंट है, इसलिए हम द लगाएंगे. डैश गंगा इज अ लॉन्ग रिवर. द गंगा, बिकॉज गंगा इज ऑल्सो अ फेमस रिवर. अ डॉग वॉज बार्किंग एट अ स्ट्रेंजर. डॉग एक स्ट्रेंजर पे बात कर रहा था. आ स्ट्रेंजर मतलब एक बार, ये फर्स्ट टाइम हम स्ट्रेंजर की बात कर रहे हैं. अगर हम सेकेंड टाइम डॉग की या स्ट्रेंजर की बात करेंगे तो हम द लगाएंगे. द डॉग बिलोंग्स टू माई फ्रेंड. यहाँ पे आ डॉग था, अब यहाँ पे द डॉग हो गया. रीड द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद आ एंड और द. इसमें भी हम आ एंड लगाएंगे और द कब लगाएंगे? जब सेकेंड टाइम उसकी बात हो रही होगी. वन डे आ फॉक्स वॉज कॉट इन अ ट्रैप. अभी फॉक्स की बात यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रही है, इसलिए हम आ लगाएंगे, बिकॉज इट इज अ कॉन्सोनेंट. It pulled and pulled till it became free, but its beautiful tail was cut off. अब the fox क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक बार already हम बात कर चुके हैं fox की, second time fox की बात हो रही है, तो हम the लगाएंगे. The fox was very sad. How ugly I look, wept the fox. The other foxes will laugh at me. Then the clever fox thought of an idea, because I is a vowel. It called a meeting of the foxes. The fox said, "Friends, why should we carry these long tails? Let us cut them off and be free of the extra weight." Okay? The other foxes saw the fox without its tail. They laughed and said, "You liked your tail at first. Now that you have lost yours, you want us to lose ours too."
नेक्स्ट एक्सरसाइज रीड द वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड और द. इसमें भी हम लिखाएंगे ए एंड द. आई लुक्ड अप एट द स्काई, क्योंकि स्काई आसमान हमारे पास सिर्फ एक है, तो द स्काई. एंड सो एन ईगल फ्लाइंग हाई, बिकॉज ई इज अ वोवेल. व्हेन द ईगल बिगन टू डाइव, ईगल यहाँ हम सेकेंड टाइम बात कर रहे हैं, सो वी विल यूज द. ऑल द माइस रैन टू सेव देयर लाइव्स. जब प्लूरल होता है तो भी हम द लगाते हैं. ओके चिल्ड्रेन, सो दिस इज हाउ यू विल डू. कॉपी में जो हमने भेजा था आपको वो आप पेज करेंगे और बुक की एक्सरसाइजेस करेंगे एंड रीड द चैप्टर. थैंक यू.